हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, मेरे पास है जेबी सुपर और ये पिंचर लगाने में काम में यूज किया जाता है और ये काफ़ी खतरनाक होती है फ्रेंड्स। इसे हम पानी के अंदर भी जलाना चाहें तो ये पानी के अंदर भी जल सकती है। और हमारे पास है एक ग्लूकोन डी। हम करेंगे क्या, इन दोनों को मिक्स करेंगे फिर देखते हैं क्या होता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो होने वाली है काफ़ी अमेजिंग, प्लीज़ यार सुसैन तक जरूर देखना। और पहले हम इसे पानी में जला के देखेंगे, पानी में जलती है ना जलती, ये काफ़ी खतरनाक होती है फ्रेंड्स। और प्लीज़ यार, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर देना और बेल आइकन को प्रेस करना कि ताकि हम कोई नई वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं इसे पानी में डाल के और फिर लगाते हैं आग, लगती है नहीं। तो फ्रेंड, ये रहा वाटर, हमने इसमें पानी कर लिया है कुछ इतना, और ये रहा सुलोचन, इतना सा काफी है। और अब लगाते हैं इसमें आग। तो आपने देखा, मैंने जैसे ही आग लगाई इसने काफी जल्दी से आग को कैच कर लिया, काफी जल्दी इसमें आग लगी फ्रेंड्स। और आप देख सकते हो, मैंने इसमें जो सुलोचन यानी कि जेबी सुपर इसमें डाला तो वो फ्रेंड्स नीचे की तरफ नहीं गया है, वो पानी के ऊपर एक लेयर सी बन के तैयार हो गई यानी कि पर्त, और उस पर ही आग लगी हुई है। तो फ्रेंड्स, इसको काफ़ी खास चल रहा है और काफ़ी अमेजिंग भी लग रहा है देखने में फ्रेंड्स, भी काफ़ी खतरनाक भी है, इसे आप जल भी सकते हो। प्लीज़ यार, घर पर ऐसा कुछ भी ना करें क्योंकि आप इसे जल भी सकते हो प्लीज़। तो एक बार इसे हम जमीन पर भी जला के देखते हैं फ्रेंड्स। इसे ज़मीन पर डालने के बाद इसमें काफ़ी फास्ट आग लगती है। अगर हम इसे 15-20 मीटर या फुट में डाल देते हैं तो कम से कम ये 3-4 सेकंड में इसे कवर कर सकता है, काफ़ी फास्ट जलता है फ्रेंड्स। तो देखो, अभी मैंने इसमें कुछ इस प्रकार से इसे ज़मीन पर डाल रखा है और मैं इसमें आग लगाता हूँ, काफ़ी फास्ट इस आग को कैच करेगा ये। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो, मैंने इसमें थोड़ा सा उधर की तरफ दिखाया दूर से और इसमें आग लग गई। तो फ्रेंड्स देखो, क्योंकि ना ये काफ़ी खतरनाक हो सकता है, इसने बहुत जल्दी से आग को कैच कर लिया। तो फ्रेंड्स, है ना अमेजिंग। और मैंने इसमें फूक मारी तो बुझ गई, और दोबारा से हमें इसे जला के देखते हैं जलता या नहीं जलता। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो दोबारा से भी है जल। तो इसे ग्लूकोन डी में मिक्स करके देखते हैं क्या होता है। तो ये रहा ग्लूकोन डी, इसमें से हम 2 चम्मच ग्लूकोन डी ऐड कर लेंगे। फिर इसके बाद हम उसको जेबी सुपर को मिक्स कर लेंगे इसके अंदर। इतना सा काफी रहेगा। अब इसे हम सही से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, हम दोनों को बड़े करके मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हो, मिक्स होने के बाद कुछ इस प्रकार का बन के तैयार हो गया। चलो यार, जल्दी से लगाते हैं इसमें आग। तो हम इसे एक पत्थर पर रख लेते हैं कुछ इस प्रकार से, और अब लगाते हैं इसमें आग। तो फ्रेंड्स, इसमें देख सकते हो आप, आग फिर भी लग चुकी है। इसमें हमें ग्लूकोन डी मिक्स करने के बाद भी फिर इसमें आग जल रही है। तो आप बता सकते हो जो इसमें जो आग जल रही है किस चीज़ की तरह जल रही है, क्या लग रहा है ये? तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, जो कपूर होता है जो उसे हम पूजा में यूज करते हैं कुछ इसी प्रकार से वो जलता है। तो फ्रेंड्स, मुझे एकदम से कपूर की तरह लग रहा है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी तो प्लीज़ यार कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरी वीडियो को कर देना लाइक, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि वो कोई नई वीडियो में अपलोड करता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो फ्रेंड्स, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।